अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इन भाई को यार वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत थी, तो मैं बनाने जा रहा हूँ वेल्डिंग मशीन। अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप भी घर पे बना लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक डब्बा चाहिए होगा, ये सिंपल डब्बा है, टैंक का डब्बा है जो कि जूस होता है। और इसके बाद हमें पानी चाहिए होगा, इसमें पानी है। ये नमक है, नमक हमें चाहिए होगा। प्लास हमें चाहिए होगा। इसके बाद नट बोल्ट जो हैं ये हमें दो चाहिए होंगे। और जो ढकने में है, ऊपर जो ढकना आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने चार सुराख किए हैं, दो नट बोल्ट के लिए और दो जो है वो हवा के लिए। तो ये आगे चलकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई को ज़रूरत है, आप इनसे मालूम कर सकते हैं। भाई आपको ज़रूरत है? जी ज़रूर होता है। ठीक है भाई, तो इनको ज़रूरत है और अभी मैं बना के देता हूँ। फ्री में है, बिल्कुल कॉस्ट आपकी नहीं लगने वाली। जस्ट आपने नमक जो है इसकी थैली, ये भी नमक थैली नहीं, आधी थैली है जो कि हर घर में मौजूद होती है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं बनाने की तरफ।
अगेन अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे बिजली के दो बोर्ड जले हैं इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि 230 वोल्ट है और 230 वोल्ट से अगर कम बिजली है तो फिर ब्राय मेहरबानी ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अगर आपके घर में 230 वोल्ट से कम है, ये इन्फॉर्मेशन आज तक किसी ने नहीं दी होगी आपको, जब ये आप प्लांट बनाते हैं तो 230 वोल्ट होना मस्ट है। मैंने 230 वोल्ट नहीं था तो दो बिजली के जो बोर्ड हैं वो जल चुके हैं और इसके बाद ही जाकर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। डायरेक्ट मीटर से मैंने ये वायर्स जो हैं कनेक्ट की हैं, यानी कि वो बोर्ड जो आप देख रहे हैं वो हैवी तार के थ्रू जो है मैंने कनेक्ट किया है। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।